डॉक्टर बन किया गरीब पिता के सपनों को साकार। लड़कियां नहीं लड़कों से कमाओ, लड़कियां ही करती हैं दो कुलों को रोशन। ऐसा ही वाकया मथुरा सौंक के गांव बारी में देखने को मिला। गांव बारी की कोमल चौधरी ने मार्च में MBBS की डिग्री बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से प्रथम स्थान से प्राप्त कर अपने किसान माता पिता का नाम रोशन किया। कोमल चौधरी ने बताया कि मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता और गुरु जी के हाथ हैं। पिता चेतराम जी ने बताया कि मैं एक छोटा किसान हूँ। मैंने कभी भी लड़के लड़कियों में भेद नहीं समझा। मुझे बेटी पर गर्व है। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है और न्यूरो सर्जन की ट्रेनिंग कर रही है, और इसी से प्रेरित होकर बेटा भी MBBS की पढ़ाई लखनऊ से कर रहा है। दूसरा लड़का कोटा से तैयारी कर रहा है। जो हमने सपना देखा था वो मेरे बच्चों ने पूरा कर दिया है। उनके आवास पर वेटरन्स इंडिया के पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने उनका साफा बांधकर और दुपट्टा पहनाकर डॉक्टर कोमल चौधरी व उनके माता पिता और भाइयों का सम्मान किया। वेटरन्स इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन नेत्रपाल सिंह जी ने कहा कि आज के दौर में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, ये वाक्या यहाँ देखने को हमें मिला। आज उन्होंने पूरे ब्रज का नाम रोशन किया है। हम सब इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सम्मानकर्ता में जिला उपाध्यक्ष सूबेदार मकरध्वज सिंह, तहसील अध्यक्ष अवतार सिंह, तहसील उपाध्यक्ष कैप्टन समुद्र सिंह, ओम प्रकाश रणवीर सिंह, बंसी चौधरी और कुलदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। किस गांव से बिलोंग करते हैं? मैं गांव नगलाबारी से बिलोंग करती हूं। आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। मैंने ये MBBS की डिग्री वाराणसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की है। इसमें मेरे परिवारजनों का बहुत मेरे साथ सहयोग रहा है। तो आपने जो तैयारी की है, आपने शुरुआत कहाँ से की थी इसकी? मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बाबा कडेरा सिंह विद्या मंदिर नगला अखा सौंक से की थी। उसके बाद मैं 2 साल तैयारी की कोटा, और उसके बाद मैंने मेरी 2900 रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 2900 थी। उसके बाद मुझे कॉलेज अलॉट हुआ महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ बोलना चाहूँगा? हाँ, इसमें मेरे माता पिता का पूरा सहयोग रहा है। किसान होते हुए उन्होंने एक लड़की को पढ़ाया, और गांव से तो बहुत कम लड़कियां आजकल पढ़ने जाती हैं, पर उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई, मुझ में विश्वास दिखाया और मैंने पढ़ाई की। भी आप डॉक्टर बनोगे तो आप मरीज को किस प्रकार ट्रीट करोगे? मेरा मेन एम तो यही रहेगा कि अगर कोई मेरे पास गरीब आ रहा है तो उसको फ्री में इलाज करूं, और कोई भी बीमारियां आए उनके प्रति उन्हें जागरूक करूं और उन्हें अवेयर करूं कि ये करनी है, ये प्रिकॉशंस लेने हैं। और अब ये कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, कोरोना तो महामारी है, एक ना एक दिन निपटी जाएगी। बाकी ये है कि हम लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना है, और इसमें क्या है, मेन यही है, ज़्यादा बड़ी महामारी नहीं है, महामारी तो है, इसमें मेन यही है कि गांव के लोगों को कोऑपरेट करना है, और सरकार तो साथ दे ही रही है। बाकी यही है, हैंड को सैनिटाइज करें और मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें। आप जो आपका एम उद्देश्य क्या है आपका आगे के लिए? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आगे साइकेट्री से MD करूं, और जो मानसिक रोग आजकल दुनिया में फैल रहा है उसको रोकूं, क्योंकि मानसिक एक ऐसी बीमारी है, मानसिकता, कि अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। बस उसी पे मेरा मेन एम रहेगा कि उसको ठीक करूं।